ترین شام چہ سات بجے تو کشر خبرنامہ ہیت چھس بہ ساحل امین تہندس خدمت مز حاضر تو خبرن ہند تفصیل جاننے برو اخ نظر چن خاص خاص خبرن پہ ایل جی منوج سنہا سند دن آمد بیان حقیقت نش دور سیاسی لیڈر خان نظر بند کرنے پتہ لوگ گمراہ کرنے باپت یت بیان دن یوان عمر عبداللہ دفعہ 375 اس حوالہ سپریم کورٹ حتمی فیصلہ مرکزی سرکار تو بھارتی جنتا پارٹی طرف خار مقدم جموں کشمیر ہندو سیاست دان مویوسی ہند اظہار عام لوکو طرف وٹ پسرائی کرنس تہ پرہیز ریاستی درجہ بحال کرنس تہ اسمبلی انتخاب امن مز انس حوالہ کانگریس پارٹی طرف خار مقدم جمس مز پریس کانفرنس دوران خیالات ہند پارٹی لیڈرو طرف کرنا آمت اظہار मुगल महल रॉयल वेडिंग एंड इवेंट्स तेरा मेरी जिंदगी में यूं आना निकाह मगर कहाँ शहरी श्रीनगर के पौश एरिया राजबाग में मुगल महल जहाँ बारात और सैकड़ों मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए जदीद तर्ज पर सजाए बैंक्वेट हॉल्स में रिवायती तरीके पर त्रामियों में लजीज वाजवान के अलावा बफे का भी मुकम्मल इंतजाम है मेजबानों के लिए भी आलीशान रिहायशी सहूलियात दस्तियाब हैं आइए आप भी अपने चहेतों की शादी मुगल महल में शाही अंदाज में अंजाम दें। आने वाले सीजन के लिए बुकिंग जारी राबिता करें 9797565000 पर मुगल महल कॉन्वेंट लिंक्स लिंक नंबर 1 राजबाग श्रीनगर तो नाजरीन पेश खबरन हुन तफसील जम्मू कश्मीर हिंद एल जी मनोज सिन्हा ये आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान वो आज चुन कांत सियासी लीडर खान नजर बंद था ना आमुत तज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी नए वजीर नए सदर उमर अब्दुल्लाहन शाम पे त्रेहिश गाज पेट जरा इबला के नुमाइंदन से कात करान वन मुझे एक तरफ च तिमन पेट इंतजामिया तरफ कदगन लागना आमुत तो दो में तरफ च एलजी मनोज सिन्हा सुंद ये बयान ब्रोकुन आमुत यथमज न का हकीकत छे मुझे सुप्रीम कोर्ट पे कुछ नहीं कहना अभी मैं कैद होके ना मैं चीजों पे आपसे बात नहीं करूंगा आप लोग पहले सच रिपोर्ट करिए फिर मुझसे सवाल करिए गेट पे ताला लगा हुआ है आपके अरेस्ट पे पूछिए पूछिए राजभवन से सुबह से ताला लगा हुआ है आपके अरेस्ट पे पूछ रहे हैं सुबह से बताया गया उमर अब्दुल्ला अरेस्ट है अब बोल रहे हैं नहीं है यू कैन टॉक टू द उमर अब्दुल्ला अब देखिए ना ताला लगा हुआ है व्हाट यू कैन टॉक टू उमर अब्दुल्ला ताला नहीं लगा उठाइए इसका रीन ये खड़े हैं सारे यहाँ जिन्होंने मुझे बंद करके रखा हुआ है पूछिए एलजी साहब से मीडिया पे आके उन्होंने दुनिया को झूठ क्यों बोला पुलिस वाले अभी हर घंटे बयान दे रहे हैं कि सारा कुछ नॉर्मल है अगर सारा कुछ नॉर्मल है तो हमें बंद करके क्यों रखा हुआ है क्या आप इस मेरे साथी सुबह से बंद है किस लिए कसूर क्या है हमारा नोबडी इन्फॉर्म ऑल आई सी इज द लॉक सिंस दिस मॉर्निंग आप लोगों को वहाँ बंद करके रखा है मुझे इस तरफ बंद करके रखा हुआ झूठ बोलते हैं ये लोग आपको कब पता चला अब मैं गुस्से में आके गाली देना नहीं चाहता हूँ लेकिन मेरे जबान पे आ रही है झूठे हैं ये लोग साहब आपको कब पता चला भरोसे सुबह से जब ताला लगा सुबह 8 बजे के आसपास जब ये लोग आए और इन्होंने अपनी हथकड़ी गेट पे लगाई मुजरिम इनसे पकड़े नहीं जाते हथकड़ी मेरे गेट पे लगती है इनसे पूछिए यही हथकड़ी जाके किसी मुजरिम के ऊपर लगाए मैं भी मानू मुजरिम पकड़ने की इनकी हिम्मत नहीं है दम नहीं है इनका और यहाँ मेरे गेट पे ये ताला लगा के फिर बयान देते हैं कि कोई बंद नहीं है शुक्र है आप लोग आए मेरे गेट पे आप लोगों ने ताला देखा सुबह से ताला लगा हुआ और एलजी साहब झूठ बोलते हैं ये पुलिस वाले सब झूठ बोल रहे हैं आरजेडी लीडर मनोज जहान ये आज राज्यसभा में ऐवान जान दीवान वो कशीर हुंद कांह ती मेंबर चुन आज राज्यसभा में कशीर हिंदन लूकन हिज कात करने बापत मौजूद तत घरकुली मामलन हिंद मरकजी वजीर अमित शाहन आत मौकस पेट ऐवानस वोनमुत जे मुल्कस मंज रोजन वलिस प्रेत एकिस चे कशीर पेट पूरा हक त कशीर मंज रोजन वलिस प्रेत एकिस शख्सस चे मुल्कस पेट पूरे पोज हक तो जम्मू कशीर हिंदन लूकन हिज कात करने बापत चे तिम लोकसभा त राज्यसभा मंज पूरे पोज मौजूद का कोई नहीं है इस सदन में
मैं था उस दिन सर। उन्होंने बड़ा ग्रॉस ट्रीटमेंट किया है कि कश्मीर का इस सदन में कोई नहीं है। वो अपने बारे में कह सकते हैं, हमारे बारे में क्यों कह रहे हैं? हम तो सदैव कश्मीर के हैं हमेशा के। आपके बारे में वो सच हो सकता है, हमारे बारे में आप कैसे स्टेटमेंट कर सकते हो भाई? आप कह दो मैं कश्मीर का नहीं हूं, कश्मीर के लिए नहीं हूं, मगर मैं इस देश का कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और द्वारका से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हर व्यक्ति का कश्मीर है और हर कश्मीरी का देश है। क्या बात कर रहे हैं आप सर? आज कश्मीर सुप्रीम कोर्ट तरफ ये दफा 370 हवाले फैसल महफूज थानु आमु तत् आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सरबराही में पांचन जजन पे मुश्तमिल बेचन अमे हवाल फैसल बोजनोमुत या दौरान मामलस हवाल बाज मुबाइस कन तमाम नुकतन पे रोशनी त्रावान मरकजी सरकारस जम्मू कशीर हुंद रियासती दर्ज बहाल करनस ते इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया असेंबली इंतखाब सितंबर 2024 ब्रोह अमल में अननिक हिदायत दिन आय। The continuous exercise of power under Article 370, Clause 1 by the President indicates that the gradual process of constitutional integration was ongoing. The declaration issued by the President under Article 370, Clause 3 is a culmination of the process of integration and as such is a valid exercise of power. Thus, CO-273 is valid. K. The Constitution of India is a complete code for constitutional governance. Following the application of the Constitution of India in its entirety to the state of Jammu and Kashmir by CO-273, the Constitution of the state of Jammu and Kashmir is inoperative and is declared to have become redundant. L. The views of the legislature of the state under the first proviso to Article 3 are recommendatory. Thus, Parliament's exercise of power under the first proviso to Article 3 under the proclamation was valid and not malus fidei. M. The Solicitor General stated that the statehood of Jammu and Kashmir will be restored except for the carving out of the Union Territory of Ladakh. In view of the statement, we do not find it necessary to determine whether the reorganization of the state of Jammu and Kashmir into two Union Territories of Ladakh and Jammu and Kashmir is permissible under Article 3. However, we uphold the validity of the decision to carve out the Union Territory of Ladakh in view of Article 3A, read with explanation 1, which permits forming a Union Territory by separation of a territory from any state. And we direct that steps shall be taken by the Election Commission of India to conduct elections to the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir constituted under Section 14 of the Reorganization Act by 30 September 2024. Restoration of statehood shall take place at the earliest and as soon as possible. It is worth noting that even the partition of India in 1947 did not impair Jammu and Kashmir communal and social harmony. In this context, Mahatma Gandhi is famously quoted to have said that Kashmir was a ray of hope for humanity. The first step towards this is to achieve a collective understanding of the human rights violations perpetuated both by state and non-state actors against the people of this region. There have been numerous reports documenting these incidents over the years. Yet, what is lacking is a commonly accepted narrative of what has happened, or in other words, a collective telling of the truth. Internationally, the right of victims of human rights violation and the truth is an end itself. It encompasses a structural investigation of the events and social political structures that led to the atrocity. The particular circumstances of individual suffering and an authoritative reporting of the results of the investigation. Additionally, truth telling provides an opportunity for victims to narrate their stories, which facilitates an acknowledgement from those responsible for perpetuating the wrong and from the society as a whole. This paves the way for reconciliation. سپریم کورٹک فیصلہ یہ پتہ یہ ام کس دفاعس من کت کر ول سیاست دان آج سٹھے مویوس سپت تک پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی پنس اکس ویڈیو پیغامس من لوکن تو نوجوان ونمت زم گھن ہمت ہارن بلکہ پہ جدوجہد جاری تھوین۔ میرے پیارے ہم وطنوں، ہمت مت ہارو، امید مت چھوڑو۔ جموں کشمیر نے بہت سارے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں۔ سپریم کورٹ کا آج کا فیصلہ یہ ایک پڑاؤ ہے، مشکل ہی صحیح پر پڑاؤ ہے، یہ منزل نہیں ہے ہماری۔ اس کو منزل سمجھنے کی غلطی مت کرو۔ ہمارے مخالفین چاہتے ہیں کہ ہم امید چھوڑ کے دل برداشتہ ہو کے شکست کو تسلیم کریں، پر ایسا نہیں ہونا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ 370 عارضی ہے، اس لیے اس کو ہٹایا گیا۔
ये हमारी हार नहीं है बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया की हार है, हिंदुस्तान के तसव्वुर की हार है। जिस तसव्वुर के साथ, जिस आइडिया ऑफ इंडिया के साथ, जिस गांधी के हिंदुस्तान के साथ, जिस गंगा जमनी तहजीब के साथ जम्मू कश्मीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान को दरकिनार करके यहां के सिखों के साथ, यहां के बुद्धिस्ट के साथ, यहां के क्रिश्चियंस के साथ, यहां के हिंदू भाइयों के साथ, गांधी के मुल्क के साथ हाथ मिलाया, आज जो उस आइडिया ऑफ इंडिया की हार है। आज जो हरकत मरकजी सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर नाजायज, गैर कानूनी, गैर आईनी की, उसको जो जायज करार दिया गया, वो जम्मू कश्मीर के लिए ही नहीं बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के तसव्वुर के लिए एक सजाए मौत की खबर से कम नहीं है। आप जानते हैं 1947 में एक सरकार थी, पार्लियामेंट था, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना, उन्हें जम्मू कश्मीर के साथ वादे किए और जम्मू कश्मीर को एक खुसूसी पोजीशन दी। उसके बाद 77 साल के बाद एक दूसरी जमात आई जिन्होंने पिछले 77 साल से एक ही रट लगाई थी कि हम पावर में आएंगे और 370 को खत्म किए करेंगे, उन्होंने कर दिया। मगर ये हमारी हार नहीं है, ये इस मुल्क की हार है। दो खानों ने किया, हमने तो नहीं किया। आज 370 को आरजी कहते हुए उन्होंने मुल्क को कमजोर कर दिया, उन्होंने जम्मू कश्मीर में उन ताकतों को मजबूत किया जो बार बार कहती थी कि जम्मू कश्मीर का मुल्क के साथ इलहाक आरजी है। तो आज 370 को आरजी कहते हुए आपने जम्मू कश्मीर का जो रिश्ता है उसको आरजी देख करार देके उसको तोड़ दिया, जो हाथ आपसे मिला था उम्मीदों के साथ 1947 में, आज आपने उस हाथ को जख्मी कर दिया। इसलिए हिम्मत मत हारो मेरे भाइयों। यपर्च नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी नायब सदर उमर अब्दुल्लान पन्ने मायूसी हंद इजहार शायराना अंदाज मज करोमुत जुदवे आज इस नाकाम सपुद ताहम छ नाउमेद सपुदम तमो जम्मू हिंदन लूकन मुबारकबाद पेश करान वोमुत जिथ पट वरी जुवु पठ लूको सब्र तहमलस कम हिज तिथे पट पज ब्रो कु सब्र तहमलस कम हेत जुदजहद जारी थ कि हम बेशक आज हम नाकामयाब रहे लेकिन हम नाउम्मीद नहीं हैं, हम मायूस नहीं हैं। ज़रूर दिल को धक्का ज़रूर पहुंचा है, आज हम अपनी जगह अफसोस, हमें अफसोस लग रहा है, लेकिन हमारी ये कोशिशें जो हैं ये जारी रहेंगी। और मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा इस बात के लिए कि उन्होंने 2019 के बाद सब्र से काम लिया, उन्होंने हालात या माहौल को बिगड़ने नहीं दिया, उन्होंने कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। और मैं चाहूँगा कि आगे भी हम इसी तरह का जो है लाएअमल जो है वो इख्तियार करें, क्योंकि ये लड़ाई जो है ये एक दिन की लड़ाई नहीं है, ये एक हफ्ते की लड़ाई नहीं है, ये एक महीने की लड़ाई नहीं है, शायद ये एक साल की भी लड़ाई नहीं होगी। कब हम इस लड़ाई में अपने मंजिल तक पहुंचेंगे कोई कह नहीं सकेगा, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए हम अपनी कोशिशें जो हैं वो पूरी तरह से हम जारी रखेंगे। बाकी जहां तक सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन की बात की हो या स्टेटहुड की बात की हो या ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की बात की हो, मैं इस पर आज जाऊंगा नहीं, क्योंकि बड़ा मामला हमारे लिए इलेक्शन नहीं था। स्टेटहुड कुछ हद तक हमारे लिए एक इशू है, लेकिन 370 के मुकाबले में भी स्टेटहुड हमारे लिए इशू नहीं था। और जहां तक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की बात है, उस पर मैंने पहले भी बहुत बात की है, आगे भी करूँगा, लेकिन आज मैं सिर्फ 370 के बारे में और आज के फैसले के बारे में अपने ख्यालात आपके सामने रखना चाहता था, इस उम्मीद के साथ कि आप समझोगे कि हम इस फैसले की उम्मीद नहीं कर रहे थे। हमने, जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा, हम इंसाफ की उम्मीद लेके हमने अदालत के दरवाजे खटखटाए थे। चलिए इस बार ना सही, अगली बार। दिल नाउम्मीद तो नहीं,
नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर लोगों को सिर्फ यही। नाजरीन कोशिश खबरनाम जारी है।